अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद अली और आप देख रहे हैं राशिद जट टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस को कनेक्ट करेंगे ब्लॉग के साथ। ऐड कैसे लगाते हैं आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ये हमारी तीसरा पार्ट है ब्लॉगिंग का, और इसके बाद मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट ही होगा जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐड कैसे लगाने हैं। इसमें हम आपको गूगल एडसेंस को कनेक्ट करके दिखाएंगे कि गूगल एडसेंस का HTML कोड को कैसे पेस्ट करना है अपने ब्लॉग में, और ये सब कैसे करना है। याद रहेगा, मैं इस वीडियो में साथ रहेगा मेरे साथ, क्योंकि यूट्यूब का जो एडसेंस यूट्यूब के साथ कनेक्ट होता है वो आप लोगों ने लगाना है ब्लॉग के साथ या नहीं, ये वीडियो में लाजमी जान लेना। आप लोगों ने साथ रहना है, नुकसानदेह हो सकता है आप लोगों के लिए, लगाना है या नहीं लगाना आप लोग देखना मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है एडसेंस ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं एडसेंस ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। याद रहेगा, YouTube वाला आप लोगों ने कभी भी नहीं लगाना, YouTube वाला कभी भी नहीं लगाना आप लोगों ने। यहाँ से आप लोगों ने वो यूज़ करना है जो बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल न्यू Gmail अकाउंट हो जिसका एडसेंस अकाउंट बना ना हो, क्योंकि YouTube के साथ जो जो कनेक्ट होता है एडसेंस, तो वो बाद में ब्लॉग को एडसेंस हो जाता है तो हमारी अर्निंग का मसला बन जाता है। तो इसलिए एड्स ब्लॉग के लिए अलहदा एडसेंस होना चाहिए और यूट्यूब के लिए अलहदा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ से, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, इस पर मैंने नेम बनाया हुआ। यहाँ से मैं सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये ऐसे गो इट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, गूगल एडसेंस क्रिएट होते वक्त मांगता है। तो आप लोगों ने वो सारा एड्रेस वगैरह अपना सही सही पता लिखना है, जो आपका पता है आपके घर का, चक नंबर जो भी होगा, फैसलाबाद है आपका, जो भी पाकिस्तान का, पंजाब, जो भी, आप लोगों ने वो सही एड्रेस देना है। और ये कोड आपसे ये कहेगा, इसे कॉपी करें और अपनी वेबसाइट पे, ये जो टीके वाली वेबसाइट बनाई है इसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा बनाकर, अगली वीडियो यही होगी। और एडसेंस की एड लगाने वाली जो एंड पे है वो एंड पे वीडियो होगी, और दो वीडियो ही मैंने लास्ट बनानी है, कोर्स पूरा हो जाएगा आप लोगों का एडसेंस का। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये मेरा एडसेंस अभी कम्प्लीट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अभी आप लोग 2 वीक्स वेट करें। याद रहे, जब आप लोगों ने एडसेंस को, ये जैसे मैंने गट स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी ये कर लिया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने अब आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 वीक्स का ऑप्शन दे रहा है, मैंने पहले बनाया था ये एडसेंस। आपने अपना जीमेल ओपन करना है, वहाँ से आपने वेरिफिकेशन एक बार एडसेंस की कर देनी है, जैसा कि मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ जीमेल को ओपन करके। जीमेल जीमेल पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आया होगा दोस्तों, याद रहिएगा, वो जो नोटिफिकेशन है वो गूगल एडसेंस की तरफ से आया होगा। मेरा जस्ट ये वाला अकाउंट है जिस पे मैंने एडसेंस कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये सब आप लोगों ने एडसेंस उस वक्त कनेक्ट करना है जब आपकी काफ़ी सारी, कम से कम 20 पोस्टें हो जाएं, तब एडसेंस आप लोगों ने कनेक्ट करना है। उससे पहले आप लोगों ने एडसेंस को कनेक्ट नहीं करना अपने ब्लॉग के साथ। 20 पोस्टिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है। ये आप लोग मेरी पोस्टिंग देख सकते हैं, ठीक है, इतना करने के बाद। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरी वीडियो को मिस ना करना, अगर बात कोई मिस हो जाए तो समझ नहीं लगती। ये मैं एडसेंस को पहले क्लिक कर चुका हूँ, वेलकम टू एडसेंस, यहाँ से मैं गेट एक्टिवेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप लोगों ने एक्टिवेट करके वो जो कोड कॉपी किया था, ये फिर से मैं आप लोगों को वो कोड दिखा दूँ, कहाँ पेस्ट करना है वो आप लोग भूल चुके हो। जी दोस्तों, ये वाला मेरा एडसेंस था। यहाँ पर एडसेंस ही इतने कनेक्ट हुए हैं, समझ नहीं लगती। ये कोड जो कॉपी किया था, ये कैसे ब्लॉग पे लगाना है ये मैं आप लोगों को समझा रहा था। इसके लेआउट में नहीं, थीम्स में जाना है आप लोगों ने। थीम्स के जाने में बाद ये मेरी वेबसाइट है, मैं आप लोगों को, ये टेस्ट वाली है, चलो
इसके एडिट HTML पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेड वाला ऑप्शन है ये, यहाँ पर आप लोगों ने एक बार एंटर दबाना है, नीचे आ गया। यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रोल V करना है, वो जो कोड है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और यहाँ से आप लोगों ने इसे सेव कर देना है। वो कोड मैं यहाँ पर सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वो दूसरी साइट पर सेव हो चुका है, मैं इस साइट को नहीं यूज़ करना चाहता तो मैं यहाँ पर नहीं सेव करना चाहता। सेव करने के बाद आप लोगों ने जैसा कि वो बोल रहे हैं कि 2 वीक्स 2 वीक्स वेट करना है। वेट करने के बाद जब हमारा ये अर्निंग वाला ऑप्शन जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपकी 20 पोस्ट पूरी ना हो जाएं आप लोगों ने गूगल एडसेंस को कनेक्ट नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ ये वाला अर्निंग वाला गूगल एडसेंस। यहाँ पर जैसे यूट्यूब के एड्स आते हैं ना, ये 3 ऑप्शन एड्स के यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा हमारे ब्लॉग के साथ। 2 वीक्स वेट करते हैं जैसा कि 20 पोस्टिंग के बाद ऐसा काम करना है आप लोगों ने। फिर हमने लेआउट में जाना है, तो यहाँ पर जो HTML है यहाँ पर हम अपने ऐड लगाएंगे। एड्स हम लेंगे गूगल से, ये गूगल एडसेंस से एड्स हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ये जो ऑप्शन खाली हैं यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ ऑप्शन हम खुद भी बनाएंगे ऐड गैजेट करके, खुद भी हम बना के लगाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये कोर्स उन लोगों को बनाया है, ये बनाया जिन्हें ब्लॉग बनाना नहीं आता था। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना फिर से भूल गया कि ये जो ब्लॉग sport.com है, इसे आप कन्वर्ट जैसे कि मैंने किया है, रहेगा आपका ब्लॉग ही ऐसे। यहाँ से मैं आप लोगों को चलिए करके दिखा देता हूँ। ये देखें blogsport.com आ रहा है ना, ये मेरा राशिद जट TV, इसे मैं चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ रहा है राशिद जट.tk। तो ये वीडियो होगी, नेक्स्ट मिलते हैं इसकी वीडियो में कि आप लोगों को बताऊँगा कि आप .tk वाली वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। वेबसाइट आपकी ऐसे की ऐसी होगी, जैसा कि ऐसी की ऐसी होगी। मैं यही वेबसाइट को .tk करके दिखाऊंगा। ये जो RJ टेस्ट ब्लॉग लिखा हुआ है 70, RJ टेस्ट ब्लॉग 70 .tk.fc कुछ भी, मैं आप लोगों को ये करके दिखा दूंगा। ब्लॉग स्पॉट ख़त्म कर दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो। मैं इस चैनल पे बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ये मैंने ब्लॉग का कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा ये एडसेंस के एड्स लगाने के बाद। तो दोस्तों मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।